आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश भर में मनाया जा रहा रामनवमी का पर्व, अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव की धूम, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर ढहने से पहले आज टेस्ट ब्लास्ट, 5 पिलर में किया गया टेस्ट ब्लास्ट। यूजीसी का ट्विटर अकाउंट हैक, आधिकारिक ट्विटर से किए गए कई ट्वीट थोड़ी देर में किया गया रिस्टोर। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, मोबाइल की दुकान में कई लाख की हुई चोरी। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं, जहां सीएम योगी ने जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। जन आरोग्य मेला का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक और दवाओं की सुविधा मिलेगी। साथ ही रामनवमी के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन भी किया। सीएम ने कन्याओं के पैर धोए, खुद अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया। इसी के साथ सीएम योगी ने रामलला को झूला भी झुलाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम योगी ने किस तरह से रामलला को पहले झूला भी झुलाया, साथ ही साथ जंगल कौड़िया में उन्होंने आरोग्य मेले का शुभारंभ किया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एक ही जगह पर दवाइयां, डायग्नोस्टिक और डॉक्टर मिल सकेंगे। साथ ही साथ सीएम योगी ने कन्या पूजन भी किया, कन्याओं के पैर धुले, उन्हें खाना खिलाया। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून के नाम 810 वर्ग जमीन कुर्क कर ली। बता दें कि मुख्तार की ये बेनामी संपत्ति सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआ बाग इलाके में है। शहर के पौश इलाके में मौजूद इस जमीन की कीमत 3.5 करोड़ से ज्यादा है, जिसे पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में तिगांव रोड पर स्थित राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की निर्माणाधीन इमारत का दौरा किया और ठेकेदारों को दिशा निर्देश दिए कि गुणवत्ता में कोई कमी ना आए और पूरे मापदंडों के अनुसार काम किया जाए। गर्मी के मौसम में तराई का विशेष ध्यान रखें। बता दें कि इस 4 मंजिला भवन की इमारत में करीब 8.5 करोड़ की लागत आएगी। ये लड़कियों का स्कूल है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और 4 मंजिल स्कूल बनना है 8.5 करोड़ की लागत से। और मैंने कहा है कि जो गर्मी का मौसम है, तराई का विशेष ध्यान रखें और इसके क्या है कि तराई 7 दिन कम से कम होनी चाहिए और जितनी तराई हो, जितनी चिनाई हो उतनी तराई होनी चाहिए। समय का, गर्मी का, मौसम का और समय पर इसे बनाने का काम करें और विशेषकर इसकी तराई पर हर चीज़ जो मापदंड है जिसके जो पैरा अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस और रामनवमी के मौके पर अचलताल के गिलहराज जी प्राचीन मंदिर से बुलडोजर वाहन भगवा यात्री निकाली गई। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही, जबकि ये भगवा बुलडोजर रैली जनपद के कई इलाकों से निकाली गई। श्री राम जी के जन्मोत्सव एवं हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। प्राचीन सिद्धपीठ गिलहराजी मंदिर से होते हुए अब्दुल करीम चौराहे होते हुए मिरीमल प्याऊ पत्थर बाजार होते हुए डीएस कॉलेज होते हुए पुनः गिलहराजी मंदिर पर इसका समापन हुआ है। जैसे कि देखने को मिला है युवाओं की अच्छी खासी संख्या और सभी लोगों में भगवा के प्रति सम्मान एवं जोश देखने को मिला है, सम्मान देखने को मिला है। ये बहुत ही हमारे हर्ष का विषय है कि युवा पीढ़ी भगवा की तरफ आकर्षित हो रही है एवं जोश और जुनून के साथ।
खबर लखनऊ से है, कलियाखेड़ा से है, जहां दो बच्चों की मां बीते 27 फरवरी को घर से बाहर गई थी, जिसके बाद युवती वापस घर नहीं पहुंची। वहीं अब इस पूरे मामले पर पीड़ित पति राज्यपाल ने कहा है कि शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब उसने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर इस मामले की उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उसका पूरा परिवार तभा हो जाएगा। अभी क्या नाम है आपका? राजपाल। क्या दिक्कत है, क्या समस्या हुई है? समस्या ये है, हमारी वाइफ को रिंकू लेके चला गया है, वो घर में कोई था नहीं, वो दोपहर 2 बजे लेके चला गया था, हो गए 4वां महीना चल रहा है। एफआईआर लिखाए हो? हाँ। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई कोई नहीं हुई है, एक दिन आया पुलिस आए थे। कौन सा थाना है? थाना काकोरी। काकोरी थाना है। लड़का कहाँ का रहने वाला है? कलियाखेड़ा का। आपको जानकारी थी कि मतलब कैसे आपको पता चला कि वो लड़के भाग रहा है? गांव के जो है बगल में देखे थे, वो सामान लेके चले गए थे, गहना वहना। कितने का सामान? 3 लाख तक ले गई है, और जो है नगद वाले को ले गए 15-20 हज़ार रुपये। बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 4 साल की, और एक लड़का है। बच्चे भी ले गई है कि बच्चे हैं? बच्चे। खबर बलिया से है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं का विस्तृत चर्चा से की गई। दरअसल समायोजनों और अंतर जनपदीय स्थानांतरण न होने के वजह से कई शिक्षकों को अपनी ही जनपद में 50 से 60 किलोमीटर तक स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता है। वहीं पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए शिक्षक देश के 4थे स्तंभ के साथ खड़ा है, और गिरफ्तार पत्रकारों कि जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। इसके प्रति तो यह कहना चाहेंगे कि यह तो बहुत ही अन्याय हो रहा है शिक्षकों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है जो ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षक पढ़ाने के लिए होता है, न कि रात को ड्यूटी चौकीदारी करना, ये शिक्षक का काम नहीं होता है। ये एकदम से चौकीदारी का कार्य दिया गया है, जो कि एकदम निरर्थक है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो इसके प्रति यही कहेंगे कि इसमें पत्रकार बंधुओं का काम, चूँकि न्यूज़ को छापना होता है, इससे वास्तविकता सामने आती है, और वास्तविकता सामने लाने वाले को जेल के अंदर नहीं जबकि जेल के बाहर रखना चाहिए। ये घटना चूँकि निंदनीय है, पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के ये एक स्तंभ होते हैं, इनको स्वतंत्रता है कहीं भी न्यूज़ निकालने की। खबर मथुरा से है, जहां दबंगों ने गरीबों की झोपड़ी में आग लगा दी और झोपड़ी में रहने वालों को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बता दें, ये पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर हुआ। मेरी घटना हुई है कि रात के 12:30-12:15 बज रहे होंगे, तो मैं अपने जो 2 बच्चों को लेके सो रही थी वहाँ पे, तो यही टाइम पे जिलाला की खाट बिछ रही थी झोपड़ी के बिल्कुल बगल में ही, हमारी अंदर बिछ रही थी। तो जे लोग पहुँचे 4 जने, तो लाला ने कही हुए और हाथा भाई इससे खूब भई है, हमसे भी भई है कि हमने ऐसा धक्का दो है, मतलब हम तो उनकी सीधी हाथाबारी खूब करी है। मेरे लोगों ने 2 लोग हैं बिन्ने, तो हम पकड़ लिए और 2 ने आग लगाई झोंपड़ी में। एक कट्टी सी हाथ में वो डारी है, मतलब लड़का को तो खूब पटक पटक के फेंका है, और वो में खूब मतलब उनकी चीज हुआ है। किस बात को लेकर विवाद चल रहा था? ये खेत के ऊपर विवाद चल रहा है, और ये जगह पहले हम थाने में जा चुकी हूँ। खबर बांदा से है, जहां देर रात एक घर में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वही थोड़ी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो ये मौके पर पहुंचे लेखपाल और ग्राम प्रधान ने कर 10,03,000 रुपए का आकलन करके मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पूरा मामला बांदा जिले के जो रही ग्राम पंचायत का है। राजकुमार, कहाँ पे हैं आप? जो रही में। किस तरह आग लगी है आपके घर में? आग दीपक के वजह से लगी, नवरात्रि के वजह से, जोतो जलाने के वजह से। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान इतना ही हुआ, 1,30,000 का। करते क्या हैं आप? यही मजदूरी का काम करता हूँ साहब। आग जो दीपक जलत रहा तो उसी आग लग गई, नदी बिल का टाइम चलता था। कितना नुकसान हो गया होगा आपका? हमारा 1,03,000 का नुकसान है। आने वाने का सामान सभी जल गया है सर।
कि सभी जल गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा वहाँ। कितनी देर बाद आपकी फायर मशीन आई थी? वो एक घंटे में आ गई थी। ग्राम जौरही में जी पप्पू शराब राम हेत जाट लोहार निवासी ग्राम जौरही रिहायशी घर जी। आंकलन लगाया होगा कितने तक का नुकसान हुआ होगा इनका? इनका लगभग जो है 1,03,000 रुपए का नुकसान हुआ। खबर औरैया से है, जहां जलावन की माता मंदिर से झंडा चढ़ा कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ओवरटेक करने के चक्कर में दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। ट्रैक्टर में सवार सभी श्रद्धालु जनपद के आयान थाना क्षेत्र के कोटी दासपुर के बताए जा रहे हैं। बता दें सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आयाना भेजा गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेचने और सट्टा खिलाने का कारोबार चल रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पहले भी अवैध रूप से शराब बेचने और सट्टा खिलाने की वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन बावजूद इसके आरोपी के हौसले इतने बुलंद रहे। बता दें कि पुलिस ने चेतावनी दी है कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी प्रकार के अवैध कारोबार को नहीं पनपने दिया जाएगा। घटना है, सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच डीएलएफ को कि एक व्यक्ति जो परचून की दुकान के आड़ में कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ जाकर देखा तो वो जुआ खिला रहा था वहाँ पे, और उसमें उससे के कब्जे से 3220 रुपए बरामद हुए हैं और उसको गैम्बलिंग एक्ट में उसके। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस ने रात्रि गश्त की पोल खुली है। बता दें चोरों ने बेकरी की दुकान से लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। सुबह दुकान खोलने पर दुकानदार ने बताया कि गल्ले में रखे 50,000 रुपए सहित अन्य सामानों को मिलाकर लाखों की चोरी हुई है। आपको बता दें ये पूरा मामला जगतपुर कोतवाली कस्बे का है। फरीदाबाद में रामनवमी के मौके पर बड़ी धूमधाम के साथ बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे बल्लभगढ़ में विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई ने यात्रा में शिरकत करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ राम की नगरी है और यहाँ भगवा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि बल्लभगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ राम ने जन्म लिया कि तुम ही भगवा फैलना चाहिए, जहाँ अयोध्या है, जहाँ राम है, वह हिंदू है, और देव पूरा हिंदू भगवा झंडे में लहराया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान भगवा लहरा रहा है। ये रामनवमी भगवान राम का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, और ये भव्य रैली अपने हिंदुत्व संस्कृति जागृति के लिए, और एक हमारा हिंदुत्व के लिए संदेश है कि हम अपनी संस्कृति से जो भूल चुके हैं उसको जागृत करने के लिए, और भगवान राम एक राज्य समाज, एक राम राज्य आए देश में, और सभी समाज हमारे हिंदू संगठन इसमें सभी हिस्सा ले रहे हैं। जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं बल्लभगढ़ के, वो बड़े धूमधाम से इस रैली को कामयाब करना चाहते हैं और कामयाब रहेगी। प्रदेशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व के, हमारा राष्ट्र हिंदू है, हम हिंदुत्व के लिए जीते हैं, मरते हैं, और हमेशा हिंदुत्व हमारा बना रहना चाहिए। अपनी जो संस्कृति है हमारी, जिससे हमारा सृष्टि चलती है, वो बरकरार बनी रहनी चाहिए और भाईचारा बराबर बना रहना चाहिए। देखिए भगवान राम का आज जन्म हुआ था, जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, उस राम राज्य की कल्पना को साकार करने का काम जिस भगवान राम ने किया, उनका जन्मदिन पूरे समाज को संदेश जाए कि जो रामायण में भगवान वाल्मीकि ने या तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सब साकार हो, लोग संस्कारवान बने और उन महत्ताओं को माने, इसी के लिए शोभा यात्रा पूरे समाज में संदेश देने का काम। ये शोभा यात्रा पूरे देश में नहीं, जो हिंदू यहाँ से गए हैं 21 देशों में। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना
की हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और उन्हें यश बल और धन भी प्रदान करती है। देश प्रदेश में नवरात्रि के अंतिम पूजा पाठ के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा करने के साथ कन्या पूजन भी किया। मथुरा में भी भक्तों ने कंकाली देवी मंदिर में पूजा की। औरैया में भी माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।